Hey students, आज मैं आपको बताऊंगी 5 mistakes जो आपको math exam में बिल्कुल नहीं करनी है. First is, जब आप copy कर रहे हैं question paper से digits को answer sheet पे, be very extra careful. Second is, units mention करना मत भूलिए, it is very very important. Third is, since it's a subjective paper, आपको each and every step mention करना है. Don't think कि ये बहुत simple step है, ये तो पता ही होगा, understood है. No, every step has to be mentioned. Fourth is, जो भी geometry का question है, उसकी figure चाहे question paper में हो, उसको आपको answer sheet पे copy करना है, pencil और ruler से. अगर ट्राइंगल एबीसी आप उसे 1, 2, 3 कर रहे हैं तो वो भी आपको मेंशन करना है अपनी आंसर शीट में. फिफ्थ इज, लास्ट 15 मिनट जो हम कहते हैं कि प्लीज क्रॉस चेक योर पेपर. सी आई फेल टू अंडरस्टैंड मैथ पेपर, आप लास्ट 15 मिनट्स में कैसे क्रॉस चेक करेंगे? हाउ विल यू गो थ्रू ऑल द कैलकुलेशंस अगेन? सो जब आप सॉल्व कर रहे हैं तभी आप साइमल्टेनियसली अपनी कैलकुलेशंस को क्रॉस चेक करिए. आई होप जो भी मैंने टिप्स शेयर करी है इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट बिलो.